साल 2014 लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो गई होगी और अब मोदी अपना पूरा ध्यान देश की सरकार चलाने पर धरेंगे। ऐसी प्रत्याशा करने वाले गलत थे। नरेंद्र मोदी ये जानते थे और जानते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने में नहीं पहुंच जाती, हर कोने में सत्ता की दावेदार नहीं बन जाती, तब तक उनकी स्थिति बेहद मजबूत नहीं हो पाएगी। और इसीलिए सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया और उसके बाद उनको एक के बाद एक राज्यों की फतेह का टारगेट दिया जाने लगा। ऐसे दौर में एक व्यक्ति को मुंबई भेजा गया। ये व्यक्ति जिसका नाम था सुनील देवधर, ये व्यक्ति जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला था, ये व्यक्ति जो बीसों साल नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा था, ये व्यक्ति जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरे सुनील ओझा के साथ बनारस की जिम्मेदारी दी गई थी। बनारस की जिम्मेदारी पूरी हुई तो संगठन के लोगों ने सुनील देवधर को मुंबई रवाना कर दिया, लेकिन अमित शाह ने सुनील देवधर को सिर्फ एक वाक्य बोला और उस एक वाक्य के बीज से जो कोपल फूटी है वो आज टीवी स्क्रीन की सुर्खियां बना रही है। आज की टीवी स्क्रीन की 3 मार्च 2018 के टीवी स्क्रीन की सुर्खियां बना रहे हैं पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे। उसमें भी सबसे ज्यादा खास हैं त्रिपुरा के नतीजे। त्रिपुरा जहां पिछले 25 साल से लगातार सीपीएम की सरकार है, 93 से 98 तक दशरथ देव मुख्यमंत्री रहे और 98 से 2018 तक माणिक सरकार मुख्यमंत्री रहे, जो साल दो साल में सिर्फ एक बार खबरों में आते थे राष्ट्रीय मीडिया में चुनाव के इतर के वर्षों में कि देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री, इस बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है। हारे को हरिनाम और जीते के मस्तक पर होता है अभिषेक। जीती भारतीय जनता पार्टी है जो इस वक्त के आंकड़ों के मुताबिक 59 एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ प्रत्याशी के निधन के चलते, उसमें से 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे है और इस जीत का सेहरा जिस व्यक्ति के सिर बांधा जा रहा है वो सुनील देवधर हैं। हमने अपने साथी मुबारक से ये आग्रह किया कि सुनील देवधर का, जिनकी ये तस्वीर नजर आ रही है, विस्तृत प्रोफाइल किया जाए। प्रोफाइल करने के दौरान एक दिलचस्प चीज पता चली जिसको सुनील देवधर मोदी दूध योजना कहते हैं। त्रिपुरा में वामपंथी दलों को हराने में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि 25 साल से सत्ता में काबिज होने की वजह से संगठन और सरकार, इसका फर्क खत्म हो गया था और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संगठन या सरकार के लिए चुनौती हो सकता था उसको किनारे कर दिया जाता था। लोगों को माणिक सरकार की सादगी, उनकी पत्नी पांचाली का रिक्शे पर बैठ के तरकारी खरीदने जाना तो पता चला, लेकिन इस पर ध्यान कम ही गया कि इसी वामपंथी सरकार में किसी भी किस्म के विपक्ष को पनपने का मौका नहीं मिला। खौफ इतना था कि जब सुनील देवधर को संगठन का महासचिव बनाकर त्रिपुरा की विजय की जिम्मेदारी दी गई तो लोग उनसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, संघ के कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से मिलने से कतराते थे। ऐसे में सुनील देवधर ने मोदी दूत योजना सोची। इस योजना के तहत वो क्या करते थे, वो ट्रेन के अंदर जाकर लोगों से बात करते थे। बताइए मुबारक जी, ये क्या तोड़ था? अगरतला से धर्मनगर जाने वाली ट्रेन में कार्यकर्ता जाते थे, वहाँ लोगों से बातें करते थे, उनसे नंबर हासिल करते थे। लगभग 700 से 750 नंबर एक दिन में इनको हासिल हो जाते थे। ये लोग उन नंबर को जब चेक करते थे तो 200 से 300 नंबर्स पे व्हाट्सएप होता ही होता था, जबकि आजकल तो इंडिया में तो इस तरफ तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा कम है। तो फिर व्हाट्सएप पे वीडियोज मैसेजेस जो इनकी प्रचार सामग्री है वो टोटल वहाँ उनको फीड कराई जाती, तो इस हिसाब से इन्होंने बहुत अंदर तक पहुंच बना ली वहां तक लोगों तक। सुनील देवधर की ये योजना काम की है। सुनील देवधर को वन होम, वो इंडिया होम, वो क्या योजना है जरा, वो एनजीओ जो चलाया उसके बारे में भी बताइए। उनका माई होम इंडिया, 2002 तक तो वो संघ के लिए पूर्णकालिक थे।
जी जी पर उसके बाद फिर वो एनजीओ चलाने लगे थे। हाँ, माई होम इंडिया नाम से उनका एनजीओ था। ये एनजीओ का मेन पर्पज यही था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो अपने आप को लेफ्ट आउट समझते थे बाकी इंडिया से, तो वो उनमें कनेक्शन बना रहे, उनको भी यही हो कि ये हम इंडियंस ही हैं, इसलिए वो संगठन काम करता है। 65 शहरों में अब इस वक्त वो है। अच्छा जी, सुनील देवधर की एक खासियत और भी है जो संघ के और भी कार्यकर्ताओं की खासियत होती है, खासतौर पर प्रचारकों की। सुनील देवधर शायद इकलौते ऐसे मेन स्ट्रीम वाले बीजेपी के नेता होंगे जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली कम से कम 6-8 बोलियों को बहुत दक्षता के साथ बोल सकते हैं जी। तो जब वो नागालैंड के, मेघालय के, त्रिपुरा के या मिजोरम की अलग अलग जनजातियों से मिलते हैं तो उनकी स्थानीय भाषा में बात करते हैं और ये बहुत अलग किस्म का कनेक्ट देता है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो शिलोंग में 20 साल से ज्यादा वक्त तक प्रचारक की भूमिका में रहे। 94 वो प्रचारक थे वहां पर और 91 से ही वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब वही काम कर रहे हैं वो, और 20 साल से वहां रहने की वजह से और खास तौर से स्थानीय भाषाओं में उन्होंने मास्टरी हासिल की है, इसका उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक चीज बड़ी गौरतलब है, थोड़ी सी हंसी भी छूटी मेरी, जब सुनील देवधर जीत के बाद मीडिया से मुखातिब थे तो बोले कि ये देशद्रोह पर देश प्रेम की जीत है। और इसको उन्होंने एलैबोरेट करते हुए कहा कि जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं वो उसको उन्होंने इसलिए जोड़ा शायद क्योंकि जेएनयू में एक परंपरागत छवि है लोगों के मन में कि जेएनयू में वाम संगठन है जबकि दक्षिणपंथी भी हैं। दक्षिणपंथी भी निर्मला सीतारमन ज्वाइंट सेक्रेटरी रही थी। दूसरा, पिछले दो जेएलएफ में मुझसे भी पांचन के संपादक ने इस चीज पर सफाई मांगी थी। मैंने कहा भाई एक तो मैं ना तो भगवा हूं ना लाल हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तो हमने उनसे कहा था कि 2 साल हो गए अभी तक पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई। लेकिन ये एक तथ्य है जो नैरेटिव बिल्ड होते हैं पॉलिटिक्स में वो अपनी सुविधा के हिसाब से तथ्यों को चुनते हैं। पर जीत के जश्न का मामला है, सच्चाई ये है कि सुनील देवधर के नेतृत्व में हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत ये चुनाव जीत गए हैं। अंदर खाने की एक खबर यह है कि सुनील देवधर संगठन महासचिव होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद की हसरत पाले हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई इतिहास नहीं है कि संगठन महासचिव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नरेंद्र मोदी अपवाद है। नरेंद्र मोदी इसलिए अपवाद है क्योंकि वो गुजरात के ही थे और गुजरात में ही संगठन महासचिव रहे थे, तो इसलिए वो 2001 में अक्टूबर में बन गए। बाकी आप कहीं भी देखें, मसलन सुनील बंसल को देखें, राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी में संगठन महासचिव बनाए गए, तो हमेशा दूसरे राज्यों के व्यक्ति को संगठन महासचिव बनाया जाता है। और पर फिर भी सुनील देवधर की दावेदारी का जिक्र हो रहा है। सुनील देवधर की पॉलिटिकल जो गुड्डी है वो छलांगा मार के गड्डी कैसे चढ़ी, वो चढ़ी जब एक और मराठी मानुस संघ के आशीर्वाद से नागपुर से सीधे दिल्ली लैंड करते हैं। उनका परिचय ये था कि वो मनोहर जोशी और उसके बाद की सरकारों में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे, इसीलिए उनको फ्लाईओवर गडकरी कहा जाता था। लेकिन संघ का आशीर्वाद राजनाथ सिंह के बाद सीधे नितिन गडकरी को भेजा जाता है केंद्र में, और उसके बाद सुनील देवधर का पॉलिटिकल ग्राफ भी चढ़ने लगता है। उनको नए सिरे से नॉर्थ ईस्ट सेल की जिम्मेदारी दी जाती है। 2012 में नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दाहोद जिले की जिम्मेदारी दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि 2007 के चुनाव में दाहोद की 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, भाजपा को 1 सीट मिली थी। डंडा मैं खा लिया हूं, गुजरात में भाजपा को भाजपा बोलते हैं। सुनील देवधर ने मेहनत की और 2012 में आंकड़ा 3-3 पर पहुंच गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साउथ दिल्ली में 10 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया था, उसमें से 7 कांग्रेस के कब्जे में थी और 3 भारतीय जनता पार्टी के। साल था 2013, चुनाव हुए और इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली 3 से 7 सीटें, मतलब 4 सीटों की बढ़ोतरी हुई। हालांकि जब 2015 में चुनाव हुए तो ये प्रदर्शन दोहराया नहीं जा सका। 2014 के आखिरी में या 2015 में, मैं हमेशा दिल्ली के चुनाव में कंफ्यूज रहता हूँ। 2014 के आखिरी में रिजल्ट्स 15 के शुरू में आए थे, तो तब प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए क्योंकि तब अमित शाह के शब्दों में कहें तो झाड़ू की सुनामी आ गई थी। सुनील देवधर है वहां लगातार सक्रिय रहे और जैसा मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था, अमित शाह को जब पता चला कि सुनील देवधर को मुंबई भेजा गया है तो उन्होंने कहा कि सुनील को मुंबई नहीं जंगल में भेजिए। तात्पर्य यह था कि सुनील को नॉर्थ ईस्ट की जानकारी है, उनको वहीं पर तैनात किया जाना चाहिए। उस तैनाती का फायदा 2013 के जो ट्राइबल हेड्स के चुनाव है, काउंसिल के चुनाव है, उसमें जब
भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी तो बुरी तरह खेत रही थी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 1.54% वोट ही मिले। अब आप कहें कि 1.54% वोटों वाली कोई भी पार्टी कितनी संभावनाएं रख सकती है चुनाव में, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुए तब भी 4.5% ही, लेकिन तब से अब तक आप देखिए कैसे चीजें बदली। 2015 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को एक उपचुनाव में 22% वोट मिला, 2016 में 36%, वो सब जगह दूसरे नंबर पर रह रही थी, लेकिन 2018 में उसने सारी कसर पूरी कर दी और पहले नंबर पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा में जीत की क्या वजह रही ये हम आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे, पर हमें लगा कि आपको सुनील देवधर के बारे में भी जानना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये प्रचारक कोई अब 50वें के आंकड़े पर है, कोई 60वें के आंकड़े पर है। इन्होंने 20-30 साल संगठन के लिए काम किया, संगठन बनाया, और उसको जब आप कंबाइन कर देते हैं अमित शाह की एग्रेसिव रणनीति के साथ तो नतीजा यूं मिलता नजर आता है। ऐसे ही एक नायक सुनील देवधर, जिनके बारे में आपने जाना। बुनियादी जानकारी की बात करें तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 29 सितंबर 1965 को पुणे में पैदाइश हुई, MSc और BEd तक की पढ़ाई की है। 1991 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और लाठी मतलब वहां पे दंड बोला जाता है संघ की भाषा में, दंड प्रमुख थे, दंड बहुत अच्छे से चलाते थे और अक्सर कहते भी हैं कि मेरा सफर दंड से राजदंड तक का है, यानी कि लाठी की ट्रेनिंग से पॉलिटिक्स तक का। अब ये राजदंड संभालने वाले बनना चाहते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डिजिटल कैंपेन में भी बहुत सक्रिय हैं, उनको पता है कि आज की तारीख में मीडिया वालों को भी सबसे पहले तस्वीरों की तलाश फेसबुक पेज पे ही होती है, इसलिए वहां पर लगातार अपडेट रहता है उनकी तस्वीरों का। योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में एक बड़ा फैक्टर थे क्योंकि नाथ संप्रदाय के वहां पर बहुत लोग हैं। इस पर भी आपसे त्रिपुरा के वीडियो जब करेंगे उसके एनालिसिस के तब उस पर विस्तार से बात होगी। सुनील देवधर ने अपनी रणनीति के बारे में टीवी रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने हर 60 वोटर्स के बीच एक कार्यकर्ता खड़ा किया और इसके लिए पिछले 3 सालों से लगातार मेहनत हो रही थी और उसका अब नतीजा मिला है। सुनील देवधर के मुताबिक 2 ही मुद्दे थे, एक युवा जिनमें बेरोजगारी का मसला है और दूसरा महिला सुरक्षा, और इन्हीं 2 के आधार पर उन्होंने जीत हासिल की। कॉल सेंटर, डिजिटल इंडिया, पन्ना प्रमुख और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं बूथ मैनेजमेंट की, उनके बारे में तो बात की ही गई। जैसे कॉल सेंटर था, अगर कोई भी अपनी समस्या बताता था तो उससे पूछा जाता था कहाँ रहते हो और फिर मंडल अध्यक्ष से बात करवाई जाती थी। तो मिशन त्रिपुरा के तहत वो मंडल अध्यक्ष चूंकि सत्ता में नहीं था तो भले ही उसकी तकलीफ दूर ना कर पाए, लेकिन एक आश्वासन सा हो जाता था कि आगे जब सरकार आएगी तब ये तकलीफ दूर हो जाएगी। सत्ता ऐसे ही आश्वासनों के जरिए हासिल की जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आश्वासनों को अमली जामा पहनाते हैं, पीढ़ियां उनको बात तक याद रखती हैं, वो एक नारे, एक पोस्टर या एक जुमले तक महदूद नहीं रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो भी जनादेश हासिल करे वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे और संविधान की भावना का पालन करे। आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com। अगर आप ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं जो कि देख ही रहे हैं क्योंकि अमित जी ने मुझे इशारा करके बताया कि ये लाइव प्रस्तुति है, तो हमारे पेज को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सुनील देवधर के बारे में अपनी राय से भी अवगत करा सकते हैं। यदि आप भी भारतीय जनता पार्टी संघ के किसी पूर्णकालिक कार्यकर्ता को जानते हैं तो उसके बारे में जरूर लिखिए। जो साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं वो लल्लनटॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि त्रिपुरा की जीत के क्या मायने हैं। जैसा अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। आप इसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक और बयान कह सकते हैं, मैं इसमें दूरगामी राजनीतिक संदेश देख पा रहा हूं। शुक्रिया।